डाई नाइट्रोजन N2, ठीक है। N2 का रिसोर्स है एयर, एयर में लगभग 78% बाईमोल जो है नाइट्रोजन गैस होती है, लगभग 21% ऑक्सीजन गैस होती है एयर में। तो एयर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस, ज़्यादा अमाउंट में गैस कौन सी होती है? N2। नाइट्रोजन गैस जो होती है ये हम देख चुके हैं कि इसमें पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, साइज स्मॉल होने की वजह से, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से जो रिक्वायर्ड एनर्जी इसको तोड़ने में वो बहुत हाई होगी, इसलिए नाइट्रोजन गैस ऑलमोस्ट इनर्ट गैस मानी जाती है। ये गैस क्या करती है, कंबेशन में एक तरह से ऑक्सीजन के साथ जो है, ऑक्सीजन एक तरह से करने वाली बोल सकते हैं अपन इसे, कंबेशन तो ऑक्सीजन के साथ होता है बट इट हेल्प्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले लैब मेथड में हमें क्या याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम, यहां से इसको हम बोलेंगे दिस कंपाउंड इज सोडियम नाइट्राइट, ठीक, एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक। तो लेबोरेटरी में NH4+ चला जाएगा NO2- के साथ और कंपाउंड बनेगा NH4NO2, इसका नाम होगा अमोनियम नाइट्राइट। और अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर हमें गैस मिलने लग जाती है नाइट्रोजन गैस। दूसरा जो इसका सोर्स है वो है अमोनियम डाइक्रोमेट, रेडॉक्स रिएक्शन है, प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट में क्या होगा कि यहाँ पे अपने आप इसमें रिडॉक्स होगा और नाइट्रोजन -3 से चला जाएगा 0 में, यानी नाइट्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो सेकेंड सोर्स इज अमोनियम डाइक्रोमेट। एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हमें बहुत प्योर नाइट्रोजन लेनी हो तो उसका सोर्स होता है सोडियम एजाइड, इसका नाम है सोडियम एजाइड, ठीक। और अगर मैं यहाँ बेरियम लगा दूँ तो दिस इज कॉल्ड एज बेरियम एजाइड। तो जब हम बेरियम एजाइड को गर्म करेंगे या सोडियम एजाइड को गर्म करेंगे तो प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाएगी और मेटल बेरियम या सोडियम अलग हो जाएगा। तो जेई में पूछा था कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो वहां पे ये सब कंपाउंड लिख दिए, उनके साथ लिख दिया अपने को बेरियम एजाइड। तो क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। अगला मेथड जो है वो है एयर से, क्योंकि एयर में जो है इट इज दी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एयर को लिक्विफाई कर लेते हैं। लिक्विफाई करने का तरीका वही है कि ठंडा करते जाएं अपन, तो कूलिंग के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पर पूरा जो है गैस वो लिक्विफाई की जा सकती है। अब लिक्विफिकेशन का सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, हर गैस एक टेम्परेचर पर नहीं होती, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा कूलिंग करेंगे तो इसमें पड़ी हुई एयर में पड़ी हुई सारी गैस जो है लिक्विफाई हो जाएगी। जो लिक्विड हमें मिलेगा हम उस लिक्विड को अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे गर्म करना चालू कर देंगे, ठीक है। और उस मेथड को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक। तो अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो धीरे धीरे करके गैस उससे वापस निकलने लग जाएगी, ठीक ना। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगी तो हम एयर से भी नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं, पर यह बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सोर्स नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विफिकेशन में एनर्जी जाएगी, कूलिंग करना पड़ेगा, फिर दोबारा गर्म करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हीटिंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है फ्रॉम प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2 का मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में CO और N2 है, ठीक है। ये चीज काम आती है एक तरह से इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल, इसकी हेल्प से जो है अपन यहां से जो है किसी चीज को जलाने में काम ली जाती है। CO+N2 जो है इस मिक्सचर को हम पास कर रहे हैं CuO से, तो होगा क्या, CuO और CO मिलकर ये बनाने लग जाएंगे कॉपर और CO2 गैस इज फॉर्म्ड। तो हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास करके, क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर से पास करके हम CO से CO2 बना रहे हैं। कॉपर मेटल है, ठीक है। अब इस मिक्सचर में ये मेटल और ये दोनों गैस होगी, ठीक है। तो CO2 और N2 का मिक्सचर जो है हमें मिल जाएगा। CO2 और N2 का मिक्सचर को हम KOH सॉल्यूशन में पास करेंगे। KOH को बोलते हैं एल्कली सॉल्यूशन, ठीक है। तो एल्कली सॉल्यूशन, चाहे मैं NaOH भी ले सकता हूं इसकी जगह, ठीक है। तो होता क्या है कि CO2 इज कॉल्ड एज एसिडिक गैस, ठीक, और हम इसको पास कर रहे हैं NaOH से जो कि बेस है, ठीक।
तो ये दोनों रिएक्शन करने लग जाएंगे एसिड और बेस, और इनसे बन जाएगा Na2CO3। तो ये यूडियोमेट्री का केस है कि अगर हम CO2 और N2 का मिक्सचर NaOH सॉल्यूशन में पास करें तो जितनी भी CO2 है वो NaOH में सोख ली जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और बची हुई गैस हो जाएगी हमारे पास नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम प्रोड्यूसर गैस से नाइट्रोजन गैस को सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, CO को हटाना पड़ेगा। CO को हम हटा रहे हैं CuO की हेल्प से, और CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस CO2 को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं NaOH सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन गैस इज कलरलेस एंड ऑडरलेस, ठीक ना, तो इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। कंबशन का ये सपोर्ट नहीं करती है, इससे पहले मैंने बोला था कंबशन सपोर्ट करती है, गलत है वो स्टेटमेंट। कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, नहीं ना तो कंबशन में मदद करती है ना कंबशन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो कंबशन करवाते हैं ऑक्सीजन गैस से, एयर में जो कंबशन होता है किसी हाइड्रोकार्बन का, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गैस, नॉट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर हम एल्कली मेटल्स में देखें तो एल्कली मेटल में लिथियम जो है वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। तो सारे एल्कली मेटल में केवल लिथियम ही ऐसा है जो नाइट्रोजन से सीधा रिएक्शन कर सकता है और नाइट्राइड बना सकता है। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे नाइट्राइड। नाइट्राइड हम किस कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें एन माइनस थ्री आयन होगा, इस आयन को हम नाम देते हैं नाइट्राइड आयन, ठीक। और लिथियम की डायगोनल प्रॉपर्टीज किसे मिलती जुलती है, मैग्नीशियम से। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। फार्मूला आप कैसे इमेजिन करोगे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट में कौन सा आयन है, Mg प्लस टू और N माइनस थ्री। आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, थ्री टू, यहाँ से चार्ज थ्री, ये टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, यहाँ से Mg थ्री और N टू, ठीक। अब ये जो नाइट्राइड बना है इसकी खासियत ये है कि नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट कर सकता है एंड हाइड्रोलाइसिस विल टेक प्लेस। हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा कि वाटर दो आयंस में टूटेगा, कौन कौन से, H प्लस और OH माइनस। Mg प्लस टू की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, OH माइनस, और क्या बना देगा, MgOH होल टू OH। और H प्लस अटैक करेगा N माइनस थ्री आयन पर, तीन H जुड़ जाएंगे और गैस कौन सी बन जाएगी, अमोनिया। तो ये मेथड हो गया हमारे पास अमोनिया बनाने का मेथड। सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा AlN, इसमें आयन कौन से हैं, Al प्लस थ्री और N माइनस थ्री। इसका भी मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं वाटर की हेल्प से, H प्लस OH माइनस, तो रिएक्शन वैसे ही होगी और यहां से भी प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, अमोनिया गैस। नाइट्रोजन की एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है कि नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेबर प्रोसेस। तो ये भी अमोनिया का एक इंडस्ट्रियल मेथड हो गया, हेबर प्रोसेस इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर अमोनिया फॉर्मेशन। हेबर प्रोसेस जो है इसके लिए डेल्टा एच होता है नेगेटिव, यानी दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसके लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ कराया जाना चाहिए, लो टेम्परेचर पर। इक्विलिब्रियम के हिसाब से हम सोचे तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के मोल कम होते हो, तो गैस के मोल इधर कम हो रहे हैं, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है दो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर केमिकल इक्विलिब्रियम से। अमोनिया प्रोसेस में आयरन को यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। और मोलिब्डेनम यहां पे इसका काम करता है प्रोमोटर्स का। प्रोमोटर उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाकर कैटलिस्ट को ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। ये चीज हम सरफेस केमिस्ट्री में देख चुके हैं, ध्यान हो आपको, तो प्रोमोटर्स मैंने वहां लिखाया हुआ है। नाइट्रोजन गैस ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है, ठीक है, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस और ये बनाएगी NO गैस, और डेल्टा एच यहां पर पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इनफैक्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से मल्टीपल ऑक्साइड्स बनते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का यही ऑक्साइड नहीं है, NO2 है, N2O है,
ठीक है ना, N2O4 भी है N2O5, तो लेकिन अपन इसको जनरल NO से बोल रहे हैं कि NO पहले बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराएं, ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड की ये खासियत है कि अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूं मैं, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एक तो देने लग जाता है COH2 प्लस H2C2। चूंकि ये एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसमें आयन कौन सा है, C2-2 आयन, तो जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो वाटर का OH- इसके साथ चला जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहेगा, ठीक है, और वाटर का H+ इसके साथ जाएगा तो दो H आज यहां आके जुड़ेंगे, एसिटिलीन गैस बन जाएगी। इसलिए हम कैल्शियम कार्बाइड को बोलते हैं एसिटिलाइट, ठीक। तो ये तो एक डिफरेंट रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से करा दे तो एक फर्टिलाइजर बनता है जिसका नाम होता है नाइट्रोलीम। नाइट्रोलीम इज कैल्शियम CaCN2 प्लस कार्बन। और अगर इस नाइट्रोलीम फर्टिलाइजर को सॉइल में डाल दिया जाए और अगर इसे वाटर मिलने लग जाए, तो वाटर से रिएक्शन करके ये क्या रिलीज करने लग जाता है, अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस जो है वो कंपाउंड नाइट्रेट्स में बदल जाएगा और फिर उसको जो है सोयल में जो उपज बढ़ाने में काम लगेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के काम आता है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं, यूरिया वगैरह जो है, वो प्रोडक्टिविटी के लिए काम आता है। अगला कंपाउंड है नाइट्रोजन का अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन अपन ने ऑलरेडी यहां देख लिया है कि अमोनिया गैस एक तो हेबर प्रोसेस से बनाई जा सकती है, एक एल्यूमिनियम नाइट्राइड के यहां हाइड्रोलाइसिस से बनाई जा सकती है, मैग्नीशियम नाइट्राइड के हाइड्रोलाइसिस से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन वही है। एक जिंक की रिएक्शन हम NaNO3 से करा दे तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो ये NO3 माइनस तो कन्वर्ट हो जाएगा यहां से अमोनिया गैस में, और जिंक यहां जीरो से कन्वर्ट हो जाएगा +2 स्टेट। तो रिडॉक्स रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। लेबोरेटरी में अगर अपन देखें तो कैसे बनाई जा सकती है कि NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट अगर सॉल्ट है, इसकी NaOH से रिएक्शन करा दो तो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन इमेजिन करना आसान है, NH4+ और OH- ये बना देगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा गर्म कर दे तो लास्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया गैस। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा दे तो ये यहां से प्रोडक्ट CaSO4 बन जाएगा साथ में, एंड अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम आयन जहां जहां पड़ा हुआ है उस अमोनियम आयन को गर्म करके हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया गैस में, ठीक। इस अमोनिया गैस में अगर मॉइस्चर हो तो हम उसको बोलते हैं मॉइस्चराइज अमोनिया या मॉइस्ट अमोनिया। अब मॉइस्ट अमोनिया में से मॉइस्चर हटाने के लिए हम इसको किस पे से पास करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के ऊपर से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, मॉइस्चर को हटाता है। तो जो पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो है क्विक लाइम CaO, CaCl2 एनहाइड्रस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और उसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और तीसरा है P4O10, ठीक। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि अमोनिया किसके ऊपर से जो है वो डिहाइड्रेट नहीं की जा सकती, ठीक। तो इन चारों का यूज नहीं कर सकता मैं केवल इसको किसके ऊपर से पास करके मॉइस्चराइजर जो है ना कैन बी ड्राइड ओवर क्विक लाइम CO। CO क्या करेगा, जो मॉइस्चर पड़ा हुआ है वाटर उससे COH2 बना लेगा, तो ये तो काम में लिया जा सकता है CO। लेकिन अगर हम दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें जैसे CaCl2 H2SO4 P4O10, तो इनके ऊपर हम अमोनिया को ड्राई नहीं कर सकते। उसका कारण है कि अमोनिया इनसे रिएक्शन करने लग जाती है। CaCl2 के साथ तो क्या होता है कि Ca+2 साइज में छोटा है तो ये उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी अमोनिया, ठीक है, तो ये CaCl2.8 अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अमोनिया एक बेसिक गैस है और H2SO4 एक एसिड है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10 ऑक्साइड है एसिडिक। तो अगर अमोनिया को मैं यहाँ पे रखूँगा तो अमोनिया खुद इनसे रिएक्ट करने लग जाएगी। अगर अमोनिया नहीं होता मान लो, तब तो वाटर को ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर लेके डाइल्यूट में बदल जाता है तो मॉइस्चर हटा देता है।
P4O10 वाटर लेकर H3PO4 बना देता है, मॉइस्चर हटा देता है। लेकिन मॉइस्चर हटाने की बजाय ये क्या करने लग जाएंगे, अमोनिया से रिएक्शन करने लग जाएंगे, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे ये अमोनियम सल्फेट बना देगा, ये अमोनियम फॉस्फेट बना देगा, ठीक। तो रिएक्शन होने की वजह से मैं इन तीनों का यूज नहीं कर सकता टू ड्राई द अमोनिया गैस। तो ये क्वेश्चन बन गया कि अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड ओवर, ये चारों डाल दे तो मल्टीपल क्वेश्चन बन गए, ठीक ना। और उसका रीजन यहाँ पर है क्यों नहीं रिएक्शन में ले सकते। केमिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया का कंबशन करवाया जाए, ठीक है, तो ये पेल येलो फ्लेम के साथ नाइट्रोजन गैस बनाने लग जाती है। इसका एक बहुत पॉपुलर प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आपको याद रखना है कि प्लेटिनम कैटलिस्ट इज यूज, अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर और इससे गैस बनने लग जाएगी एनओ। अब इसी मेथड को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि एनओ से पहले NO2 बना लिया जाता है, NO2 से बाद में नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है HNO3। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है नाइट्रिक एसिड बनाने में काम में लिया जाता है, बट अगर मैं इंटरमीडिएट को यहीं रोक दूं रिएक्शन को तो NO गैस भी बनाई जा सकती है इसकी हेल्प से, ठीक, अमोनिया और ऑक्सीजन से NO+H2। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अमोनिया और CO2 को मिला के बहुत फेमस प्रोसेस है यहाँ पे यूरिया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, ठीक है ना। ये बहुत फेमस प्रोसेस है एक्चुअली कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला के वो यूरिया। तो यूरिया में क्या CO2 गैस और अमोनिया गैस को मिलाकर यूरिया कंपाउंड बनाया गया। तो ये यूरिया फर्टिलाइजर का एक मेजर सोर्स है अमोनिया प्लस CO2 गैस। रेडॉक्स रिएक्शन इसकी अमोनिया की केमेनोफोर के साथ होती है न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में केमेनोफोर कन्वर्ट्स इनटू MnO2 और एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है Mn+2 में, ठीक है। रेडॉक्स में अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमोनिया और न्यूट्रल केमेनोफोर की रिएक्शन कराए तो कौन सी गैस रिलीज होगी। अब वो गैस अपन किसी भी तरीके से लॉजिक लगा के नहीं बना सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी है यहाँ पे। N2 भी हो सकता था, NO भी हो सकता था, NO2 भी हो सकता था, है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी N2 गैस बनती है। अमोनिया और NH2Cl की रिएक्शन से हाइड्रोजन कंपाउंड बनता है, आगे देखेंगे अपन इसका फॉर्मेशन। अमोनिया गैस जो है बहुत इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाती है, तो इसकी सोलिबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा होती है और उसका कारण होता है कि अमोनिया जो है वो वाटर के साथ एज बॉन्डिंग शो कर सकती है। एज बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो और सामने ऐसा एटम हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनमें से कोई सामने आ गया तो ये उसके साथ एज बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएगी। अमोनिया वाटर में डिजोल्व होकर एक वीक बेस बनाती है NH4OH। तो NH4OH की रिएक्शन कराऊं या अमोनिया की रिएक्शन कराऊं एक ही बात है ना। केमिस्ट्री में कहीं NH3 लिखा हो या NH4OH लिखा हो तो अपन एक ही बात मानेंगे, वाटर में डिजोल्व करके क्या बनाता है NH4। अरे ये क्या होता है वीक बेस, है ना। KB इसका होता है 2×10⁻⁵, तो ये कैरेक्टराइज है वीक बेस होता है। इसलिए अमोनिया इस लोन पेयर को देने की वजह से अमोनिया कैन एक्ट एज ए लुईस बेस, या हमें कह सकते हैं इट कैन एक्ट एज ए लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्वेश्चन जब में पूछा गया था कि अमोनिया और BF3 को 1:1 रेशो में मिक्स किया जाए तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरोन एटम। होता क्या है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और BF3 में एक 6 इलेक्ट्रॉन है और एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो अमोनिया अपने लोन पेयर को इसके साथ शेयर कर देगा तो ये बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इससे और बोरोन के आसपास 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और अमोनिया का भी sp3। लेकिन कब, जब ये कंपाउंड बना लिए, तो अगर दोनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो अमोनिया sp3 और BF3 sp2, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जो में पूछा हुआ। अमोनिया जो है लिगेंड की तरह काम करती है और Cu+2 आयन को टेस्ट करने में काम लिया जा सकता है। अगर किसी सॉल्यूशन में Cu+2 और अमोनिया गैस मिला दी जाए या अमोनिया सॉल्यूशन मिला दिया जाए तो ये इसके साथ 4 अमोनिया जुड़ जाएंगे यहाँ पे और ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DSP2। ये एक एक्सेप्शन था
कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर उसमें चला जाता है। एजी प्लस जो है इसको अमोनिया घोलने में काम लिया जाता है, जो अपन ने फोटोग्राफी में देखा था उसी तरह का रिएक्शन है कि एजी प्लस अमोनिया के सॉल्यूशन में घुल के एक कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। ये चीज आपके क्वालिटेटिव में काम आएगी कि NH4O इस सॉल्यूशन डाल दे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये टेस्टिंग में काम आएगा क्योंकि ये आयन कौन सा दे रहा है OH-, तो OH- इससे कंबाइन हो जाएगा तो क्या बना लेगा FeOH3 का PPT। और FeOH3 का PPT ऐसे याद कर सकते हो कि जब आयरन पे जंग लगता है रस्टिंग होती है तो लाल कलर बन जाता है उसके ऊपर। आयरन का जब रस्टिंग होता है तो रेडिश हो जाता है आयरन, ठीक है, तो रेडिश प्रेसिपिटेट बन जाएगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH3। एल्यूमिनियम +3 पे डालें तो AlOH3 का PPT, ठीक है। जितने भी नोबल गैस के एलिमेंट होते हैं, आयन होते हैं, वो लगभग व्हाइट कलर के सॉल्ट बनाते हैं, तो Al+3 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। जिंक +2 जो है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो सूडो इनर्ट गैस और नोबल गैस वाले जनरली जो है व्हाइट कलर का PPT बनाते हैं जनरली, मतलब ये लाइन ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रू है, पर मोस्टली जो है याद तो करना ही पड़ेगा हमें अल्टीमेटली, पर एक लॉजिक ये है कि ये लगभग व्हाइट कलर का ही PPT बनाते हैं। Cr+3 आपको याद रखना पड़ेगा, CrOH3 का ग्रीन PPT। अमोनिया का टेस्ट जो है क्वालिटेटिव में आता है, अमोनिया के टेस्ट में K2HgI4 और OH- मिला है, इसको बोलते हैं अल्कलाइन मरकरी का सॉल्ट, ठीक है। तो अल्कलाइन और IUPAC नेम निकाल सकते हैं अपन, इसका क्या नाम होगा, इसका IUPAC नाम पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो, ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरेट सेकेंड। तो अल्कलाइन पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकेंड की रिएक्शन कराएं इससे, इसको बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट, और नेस्लर रिएजेंट डालने पर कंपाउंड बनता है आयोडाइडो मिलियंस मिलंस बेस। तो ये टेस्ट है अमोनिया का, ठीक है ना। लिक्विड अमोनिया जो है एज ए सॉल्वेंट काम में ली जा सकती है क्योंकि अमोनिया का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है और अमोनिया वाटर की तरह NH4+ और NH2- बना सकते हैं, तो अमोनिया को एज ए सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन है, सोडियम मेटल को हम अमोनिया में घोल सकते हैं, ठीक है, और सोडियम मेटल को जब अमोनिया में घोलते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है कि ये जब अमोनिया का सॉल्यूशन सोडियम को अमोनियम डिसो एस ब्लॉक का क्वेश्चन है वैसे, ये सोडियम को जब अमोनिया सॉल्यूशन घोला जाएगा तो ब्लू कलर किस वजह से होता है, ठीक है। तो सोडियम जैसे ही वहां पे जाएगा तो सोडियम कन्वर्ट होगा Na+ में और इलेक्ट्रॉन में। Na+ इज सराउंडेड बाई अमोनिया मोलिक्यूल्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सराउंडेड बाई अमोनिया मोलिक्यूल्स। जब इलेक्ट्रॉन को अमोनिया मोलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो इसका नाम है सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और जो ब्लू कलर बना है सॉल्यूशन का, इट इज बिकॉज ऑफ सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया के ब्लू कलर में सॉल्यूशन बनाने का कारण सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ऑलमोस्ट लाइक ऑफ मेटल, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। सोडियम को अमोनिया में घोलकर जो सॉल्यूशन तैयार किया है, अगर इसको बहुत लंबे समय तक रखा जाए लॉन्ग स्टैंडिंग, तो लॉन्ग स्टैंडिंग पर ये एमाइड बनाने लग जाता है NaNH2। अमोनिया की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से आपको याद रखना है, अमोनिया गैस इज फॉर्म्ड एंड व्हेन अमोनिया इज पास्ड ओवर CuO नाइट्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो नाइट्रोजन बनाने का मेथड हो जाएगा बाय द अमोनिया, तो ब्लीचिंग पाउडर और CuO की रिएक्शन। हाइड्रेजिंग बोलते हैं हम N2H4 को, स्ट्रक्चर है इसका NN यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2, 3 काम आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिए लोन पेयर, तो इन दोनों के ऊपर एक एक लोन पेयर होगा। हाइड्रोजन एक्ट एज ए वीक बेस और इसकी एक खास रिएक्शन होती है कि हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है कम्बशन करवाया जाता है, तो कम्बशन में नाइट्रोजन गैस बनाता है प्लस वाटर बनाता है। This reaction is highly exothermic and this fuel is used as rocket fuel. तो rocket में as a fuel हम इसको और डाइबोरान को use करते हैं B2H6 को, ठीक। तो rocket में ऐसा fuel चाहिए होता है
जिसमें पर ग्राम बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन को यूज वहां पे किया जाता है। N2H4 की रिएक्शन आयोडीन से कराई जाए तो N2 अलग हो जाएगा और HI बन जाएगा। इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन से अपन देख ही चुके हैं N2+H2, तो ये रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये रिएक्शन। हाइड्रोएजोइक एसिड बोलते हैं हम HN3 को। एसिड इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये H+ देकर N3- में बदल जाता है। N3- को हम आयन बोलते हैं एजाइड आयन। एजाइड आयन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, N-1 डबल बॉन्ड, N+ डबल बॉन्ड, N-। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 होते हैं, एक निकाल दे तो 4 बचे और चारों काम आ गए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, SP, ठीक है। और ये पूरा मॉलिक्यूल लीनियर हो जाएगा, ठीक है। N- जो है यहाँ पे, N- को कैसे समझेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी शेल में, एक और आ गया, 6 हो गए। तो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको 2 की जरूरत है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ, ठीक है। तो ये एजाइड आयन का एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि बोथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ आर सेम इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज, इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं कि जैसे सपोज करो ये इधर चला है, तो ये बन जाएगा N-2, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये चार्ज कहां आ जाए, इधर। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एजाइड आयन के पॉसिबल है। इन तीनों में पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है, तो तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है। क्या कारण है इसका कि इट इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल पे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाती है। तो इन तीनों में ये पूछा जा सकता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से ड्रो किए जा सकते हैं और इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अगर हम HN3 का स्ट्रक्चर बनाए तो ये आएगा, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर बट नॉन लीनियर। नॉन लीनियर आपको यहीं से दिख जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है, जैसे ये एक सीध में ले लिया अपन, तो हाइड्रोजन ऐसे है, ठीक है, तो इस तरीके से लगा हुआ है, इसलिए इसे अपन नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बोलेंगे। जबकि ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर, दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहला पढ़ रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लोअर स्टेट में अस और हायर स्टेट में इक, तो N2O को बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड और NO को बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। N2O का स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, N2 बना ले पहले अपन, एक लोन पेयर था इसके पास, वो इसने ऑक्सीजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक। इसी को हम ऐसे ही बना सकते हैं वैसे, अगर कहीं पे स्ट्रक्चर ऐसा भी आ जाए तो भी वैलिड है, O-+, तो ये भी स्ट्रक्चर वैलिड है और ये भी स्ट्रक्चर वैलिड है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि N2 बनेगा। HNO3 की रिएक्शन SNCl2 से कराएं तो रिडॉक्स रिएक्शन है SNCl4 और साथ में N2। N2O इज ए लाफिंग गैस, ठीक है, हंसाने में काम आती है, कलरलेस होती है, इट सपोर्ट्स ऑक्सीजन कंबशन। कंबशन में कैसे सपोर्ट करेगी कि N2O इजीली ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है, और खुद किस में बदल जाएगा, N2 में। तो जिस कौन को ये ऑक्सीजन देगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने को ही हम कंबशन बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। तो जब कोई चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, जैसे कार्बन जलता है तो CO2 बनाता है, तो कार्बन ने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। तो कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो N2 ऑक्सीजन देने का काम करेगी, तो कार्बन को CO2 में करवा देगी तो कंबशन करवा दिया, सल्फर को SO2 में, ठीक है ना, ऑक्सीजन दे दिया और खुद N2 में बदल गई। इसी तरीके से फास्फोरस को P4O10 पेंटाऑक्साइड में, Mg को यहाँ से MgO में और साथ में N2, और कॉपर को CuO में और साथ में N2। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड था N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड हायर स्टेट में है NO। NO जो है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक्सेप्शन ऑफ लुईस रूल। लुईस क्या बोलता है कि ऑक्टेट सबका कंप्लीट होना चाहिए,
यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इनफैक्ट ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये पॉइंट याद करने वाला है आपके लिए, न्यूट्रल ऑक्साइड। एनओ बनाने का मेथड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने से, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन से एनओ बनती है। ओस्टवाल मेथड से भी बनाया जा सकता है, अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन, प्लेटिनम कैटलिस्ट, एनओ इज फॉर्म्ड। एनओ इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सो इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर कहीं पर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, इवन नंबर में आता है तो हमें सोचना पड़ेगा एमओटी कंसेप्ट से। एनओ अनस्टेबल होता है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो तुरंत ही एनओ टू में बदल जाता है। एनओ टू गैस इज ब्राउन कलर्ड गैस एंड दिस गैस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक गैस, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। एनओ को गर्म करने पे N2 प्लस O2 बनता है। CU से रिएक्शन पे CuO प्लस N2 रिलीज होगी और NO की हैलोजन से रिएक्शन करने पर NOX बनेगा कंपाउंड। NO इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन होगी। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn+2 में और नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5। आयोडीन की रिएक्शन एनओ से कराएं तो HI प्लस HNO3 कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एनओ का जो बहुत फेमस टेस्ट है वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट ये है कि अगर कहीं पर एनओ गैस बन रही है तो अगर अपन तुरंत FeSO4 का सॉल्यूशन वहां पे ले आए तो ये एनओ इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देती है Fe2O5 NO प्लस SO4। ये जो कंपाउंड है ये ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है तो टेस्ट ट्यूब के किनारों पर ब्राउन रिंग जो है बनने लग जाती है इस तरीके से। तो इसी कंपाउंड, इसी टेस्ट को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। इसका हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देख चुके हैं अपन, sp3d2 होता है और चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलरफुल होता है। इट इज नॉट कलरफुल बिकॉज ऑफ dd ट्रांजिशन, इट इज कलरफुल बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर। ये हम लिख चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। और ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। आयरन इसमें कौन सी स्टेट में होता है, +1 में, तो +1 में आयरन क्या हो जाएगा, 3d7 होता क्या है, 3d6 4s2। एक निकाल दू तो क्या बचा, 8 में से एक निकल गया तो d7 हो गया। d7 को जब आप भरोगे तो ये कैसे भरा जाएगा, 2 2 1 1 1। तो इस वजह से 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन। नाइट्रोजन सेस क्यू ऑक्साइड, ये तो कॉमन नेम हो गया और IUPAC नाम है इसका डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। जेई एडवांस 15 का क्वेश्चन था कि N2O3 में कितने लोन पेयर होंगे, तो स्ट्रक्चर से अपन काउंट कर सकते हैं कि हर ऑक्सीजन पे यहां 2 लोन पेयर होंगे जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहां पे 2 लोन पेयर होंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इस साइड तो इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन। तो काउंट करें अपन, 2 4, इसके बाद यहां से 7 और यहां कितना हो गया, 1 8, तो टोटल लोन पेयर वाज 8, ठीक। N2O3 बनाने का मेथड क्या होता है कि NO की रिएक्शन NO2 से करवा दें तो दोनों ऑक्साइड कंबाइन होके N2O3 बनाने लग जाएंगे जो ब्लू कलर का लिक्विड होगा।